नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम लेयर्ड सांखें बनाएंगे, इन्हें हम लेयर्ड नमक पारी भी बोल सकते हैं, और ये सादा नमक पारी की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट और दिखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आइए लेयर्ड सांखें बनाना शुरू करते हैं। तो लेयर्ड सांखें बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो प्याले में हमने 2 कप मैदा ले ली है, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1/4 कप तेल डालेंगे। 2 टेबलस्पून तेल हमने और प्याली में रखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को मिलने तक मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने थोड़ा सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में हमने ये 1/2 कप पानी लिया था, लेकिन उसमें से भी 1.5 टेबल स्पून करीब पानी बच गया है। आटे को हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा, इसके बाद हम सांखें बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। आटा हमने मसल कर चिकना कर लिया। अब हम आटे को तोड़कर 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम एक एक भाग को गोल करके लोई बनाकर इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए हम रोलिंग बोर्ड ले लेते हैं। आटे का हम एक पार्ट ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से मसलते हुए गोल लोई तैयार करेंगे। दबाकर पेड़ा जैसा बना लेंगे और इसे पतली शीट में बेलेंगे। बाकी जो हमारा आटा है उसे हम ढककर रखेंगे। तो हम इसे बेलकर तैयार कर दें। ये हमने पतली शीट बेलकर तैयार कर ली। हमने शीट को कुछ चौकोर शेप देते हुए बेला है। अब हम इसके ऊपर एक छोटी चम्मच बिल्कुल एक पतली सी लेयर तेल की हम शीट के ऊपर फैला देंगे और ये हमने 1/4 कप मैदा ले लिया और इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस शीट के ऊपर छिड़केंगे और चम्मच से एक जैसा फैला देंगे। अब हम शीट को फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल एक तरफ से इस तरीके से आधी शीट तक ले जाते हुए फोल्ड कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से इसको मिलाते हुए मतलब आधा करते हुए फोल्ड कर देंगे। अब थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर गिराकर और एक जैसा फैला देंगे, थोड़ी सी मैदा छिड़केंगे और शीट के ऊपर एक जैसा फैला देंगे। अब हम इस किनारे से इसको इस तरीके से आधा सेंटर तक मोड़कर रखेंगे, दूसरी ओर से भी पकड़ेंगे और सेंटर तक मोड़ देंगे। ये हमारी चौकोर आकार में मोटी शीट बनकर तैयार हो गई। इसे अब हम फिर से पतला बेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, जितना पतला हमने पहले बेला था थोड़ा सा उससे मोटा रखेंगे, यानी कि उसे आधे साइज में बेलकर तैयार करेंगे। लंबाई में इस तरीके से बेल देंगे। ये हमने थोड़ी लंबी शीट बेलकर तैयार कर ली। अब फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और शीट के ऊपर एक पतली लेयर में फैलाएंगे और थोड़ी सी मैदा छिड़केंगे और एक जैसा फैला देंगे। और अब हम शीट को फोल्ड करेंगे। 3 फोल्ड बना लेते हैं, 1, 2 और ये तीसरा, इस तरीके से। और अब हम इसे थोड़ा सा पतला बेलेंगे, थोड़ा सा चौड़ाई में भी बढ़ा लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा थिक रखेंगे, ज़्यादा थिक रखेंगे। अब हमें पतला नहीं करना है। ये शीट हमने फोल्ड कर करके और इस तरीके से
लंबी सी बेलकर तैयार कर ली। अब हम इसकी शाखें काटेंगे, तो शाखों की मोटाई हम रखेंगे आधा सेंटीमीटर और तीन चौथाई सेंटीमीटर, थोड़ी सी पतली या थोड़ी सी चौड़ी रखी जा सकती हैं। इस तरीके से हम लंबी शाखें काटकर तैयार करेंगे। ये हमने सीट को काटकर तैयार कर लिया, इसे हम इस प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे लोइयों को बेल कर काट कर तैयार करेंगे। और इन्हें तलने के लिए हमें कढ़ाई में तेल चाहिए, तो हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। इसे हम गरम कर देते हैं, धीमी आग पर हम इसे गरम होने के लिए रख देते हैं। और जब तक दूसरा आटे का टुकड़ा लेकर लोई बनाकर और इसी तरीके से हम शाखें काट कर तैयार कर लेते हैं। तेल चेक कर लेते हैं। इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर हाथ रखें तो हाथ के ऊपर हीट आ रही है, तेल गर्म हो गया है। और हमें शाखें तलने के लिए तेल मीडियम गर्म चाहिए, गैस धीमी और मीडियम होनी चाहिए। तो शाखें तलने के लिए हम तेल में डालते हैं। जितनी शाखें आसानी से कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी हम डाल देंगे। और शाखों को पलट पलट कर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, आग धीमी और मीडियम रखेंगे। शाखें अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कलछी से हम निकालेंगे, कलछी को कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा रोक कर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। शाखों को निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं और सारी शाखें हम इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। तो ये हमने सारी शाखें तलकर तैयार कर ली। और एक बार की शाख तलने में हमें 5 से 6 मिनट लग जा रहे हैं। क्रिस्पी लेयर शाखें बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी शाखें बनी हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, आप आटा थोड़ा सख्त लगाएं। अगर आटा नरम हो जाए तो उसे सूखे आटे की मदद से बेलें। और शाखें तलते समय तेल मीडियम गर्म हो, आग धीमी और मीडियम हो, बहुत अच्छी शाखें बनकर तैयार होंगी। और इन्हें थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इनके ऊपर चाट मसाला या ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क सकते हैं। शाखों को पूरी तरीके से ठंडी होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे 2 महीने तक यूज कीजिए। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।